अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। ओमलेट एक ऐसी रेसिपी है जिसमें बेशुमार वेरिएशन की जा सकती हैं, और इसी तरह की एक छोटी सी वेरिएशन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हम बनाएंगे मशरूम अपसाइड डाउन ऑमलेट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऑमलेट का मिक्सर रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अंडे, और इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स, जिसके लिए मैं सबसे पहले डाल रही हूँ कैप्सिकम। ये मैंने ग्रीन कैप्सिकम ली है, 2 टेबल स्पून हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ही अनियन, फाइनली चॉप कर लिया था हमने अपनी दोनों वेजिटेबल्स को। और साथ में इसके अंदर अब ऐड करूँगी टोमेटोज मैंने चेरी टोमेटोज यूज़ किए हैं, आप नॉर्मल साइज के होते हैं वो भी कर सकते हैं। फाइनली चॉप कर लेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसमें टमाटो शामिल करेंगे। नाउ मिक्स इट वेल। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये हमारा ऑमलेट का मिक्सर हो गया, तो चलें अब हम इसको रेडी करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने बटर ऐड किया है, और इससे अच्छे से हम पैन को ग्रीस कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मशरूम्स। ये मैंने 3 से 4 मशरूम लिए, उनको अच्छे से स्लाइस कर लिया है। और अब हम 2 से 3 मिनट तक मशरूम्स को अच्छे से सौते करेंगे। मैंने वाइट मशरूम यूज़ किए हैं, आप ब्राउन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेबी मशरूम, कैर मशरूम भी यूज़ कर सकती हैं। 2 से 3 मिनट तक हम मशरूम को सौते करेंगे, और उसके बाद हम इसको पूरे पैन पे नीचे स्प्रेड कर देंगे। ये देखें, ऐसे इसको स्प्रेड करने के बाद पूरा का पूरा हम अपना ऑमलेट का मिक्सर इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और ऑमलेट के मिक्सर को डालने के बाद हमने इसके अंदर बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, और ना ही हम इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे। हमने जस्ट इसको साइड के एजेस से, जो कि हिलाने से जो साइडों पे एग ऊपर की तरफ आया है, उसको हम ये देखें थोड़ा सा प्रेस डाउन करके राउंड लुक दे देंगे। और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से ऊपर से भी थोड़ा सा पक जाए। ये देखें, 1 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है, तो ये नीचे से अच्छा खासा स्टेबल हो चुका है। अब इसको हम टर्न करेंगे, लेकिन इसको फ्लिप करने के लिए मैंने एक दूसरा पैन लिया है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ताकि अंडा उससे चिपके नहीं। और अब हम इसको फ्लिप करेंगे। ये फ्लिप करने का बहुत ही इजी तरीका है, वैसे तो आप प्लेट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर का कच्चा अंडा है वो प्लेट के साथ लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। तो अगर हम गर्म पैन के साथ इसको फ्लिप ओवर करते हैं तो उसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये देखें, हमारा बिल्कुल ऑमलेट ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। आप मेरी इस टिप को ज़रूर ट्राई करें, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। और हमारा ये देखें ऑमलेट ज़बरदस्त सा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी मशरूम अपसाइड डाउन ऑमलेट की रेसिपी। आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही क्विक और झटपट बनने वाली रेसिपी है। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, साइमा नबी 123 मेरा इंस्टा का अकाउंट है, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी बहुत जल्दी एक ज़बरदस्ती न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलामुअलैकुम।